नामांकन करने से पहले रामलला की शरण में आजमगढ़ के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता दिनेश लाल यादव अयोध्या पहुंचे। दिनेश लाल यादव निरहुआ की अभिनेत्री आम्रपाली दुबे भी साथ नजर आई। निरहुआ ने कहा कि हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। कल यानी 2 मई को नामांकन है, तो प्रभु के चरणों में शीश झुकाने और आशीर्वाद लेने अयोध्या आया हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे, प्रभु श्री राम से यही मांगने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष पूर्ण रूप से खत्म है, राम के सब दुश्मन जेल जाएंगे और 400 सीट जीतकर फिर मोदी ही आएंगे। मोदी के साथ राम भक्तों का आशीर्वाद रहेगा। बिल्कुल, हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, हमारा भव्य राम मंदिर बन गया और अब कल नामांकन है, तो प्रभु के चरणों में शीश झुकाने के लिए आए हैं, प्रभु से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। भगवान रामलला के आशीर्वाद से इस बार भी भारी बहुमत से जीतेंगे, कुछ ऐसा अंदेशा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु श्री राम की कृपा हम सब पर बनी रहे और हम यही मांगने के लिए आए हैं कि प्रभु आपकी कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे, पूरे देश पर बनी रहे। विपक्ष कितना मजबूत है इस बार? खत्म है विपक्ष, जो राम के दुश्मन हैं सब जेल में जाएंगे, 400 सीट जीत के फिर मोदी ही आएंगे। इंडिया गठबंधन का कोई जोर नहीं चलेगा? कुछ नहीं, खत्म हो तो वो तो मतलब इतनी सीटें भी नहीं लड़ रहा है कि वो सोचे भी कि सरकार बनाए, क्योंकि इंतजार के बाद प्रभु श्री राम जब भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों की सबकी आस्था है प्रभु।